हेलो एवरीवन मैं सृष्टि श्रीवास्तव टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी आज का टॉपिक है हमारा प्रसव प्रक्रिया यानी कि बर्थ प्रोसेस चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ये आप सभी इससे ज़रूर परिचित होंगे आप सभी के लिए ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रसव प्रक्रिया क्या होता है हम सभी का जन्म हुआ है और ये जन्म किसके द्वारा होता है तो जरूर माता के द्वारा ठीक है माता के द्वारा जन्म होता है एक शिशु का और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल आसान नहीं है एक माँ के लिए शिशु को जन्म देना कहते हैं माँ का भी जन्म हो रहा है और शिशु का भी जन्म हो रहा है हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो सिर्फ बच्चे का बर्थडे होता है लेकिन ऐसा नहीं है एक माँ का भी नया जन्म होता है इसमें क्योंकि इतनी सारे नौ महीने का ये जो पूरा सर्कल चलता है इसमें इतनी सारी उन्हें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं और उसके पश्चात एक शिशु का जन्म होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस किस तरीके से पहला चरण कैसा होता है दूसरा चरण तीसरा चरण कई सारे स्टेजेस में इसको बांटा गया है सिर्फ आपके बर्थ प्रोसेस को तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रसव प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं बर्थ प्रोसेस राइट right? क्या बोलेंगे बर्थ प्रोसेस तो ये जो आपकी प्रक्रिया होती है कहते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया है ठीक है तो क्या कह सकते हैं आप कि प्रसव प्रक्रिया ठीक है प्रसव प्रक्रिया जो है इसमें क्या होता है इसमें शिशु का जन्म होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है ठीक है ये कैसी प्रक्रिया है ये आपकी एक जटिल प्रक्रिया है जटिल प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही कठिन होती है ठीक है ऐसे समझिए हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है थोड़ा सा चोट लग गया या कुछ भी थोड़ा सा कट लग गया कितना देर दर्द होगा इतना पेन होगा लेकिन एक माँ को कितना कष्ट होता है एक बच्चे को जन्म देने में इतना पेन इतना पेन मतलब असहाय पीड़ा और हम लोग क्या करेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है करती ही क्या है आप उन्होंने आपको इस धरती पर लाने के लिए इतने कष्ट झेले ये बहुत छोटी बात नहीं है हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटी बात है हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने आपके लिए जितना किया है और जितना कर रही हैं ये जो है बहुत बड़ी है बात है इसको आप लोग इतना मतलब अपनी माँ की जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि जो माँ है वो क्या है ठीक है माँ बहुत बड़ा शब्द होता है और यहाँ पे आज हम उसी के बारे में समझेंगे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है यह एक जटिल प्रक्रिया है राइट उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है इसमें आपकी जो गर्भाशय की ठीक है गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं ठीक है थीके? क्या होता है गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें संकुचन होगा ठीक गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होता है संकुचन का मतलब क्या होगा भाई संकुचन होता है संकुचन का मतलब होता है कि वो जो मांसपेशियां हैं वो क्या होंगी वो जो है संकुचित होंगी क्या होंगी वो जो है आपस में सटेंगी संकुचित तो होंगी और उसी के बाद बच्चा क्या करेगा अब बाहर निकलने के लिए तैयार है नौ महीने बहुत बिताए उसने गर्भ में अब वो बाहर निकलने के लिए क्या है पूर्णतः तैयार है तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब इस समय आप सभी को पता है आप सभी महिलाओं को पता है क्या होता है असहाय पीड़ा होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि कमर तथा ठीक है कमर तथा उसके आसपास के हिस्सों में आसपास के निचले हिस्सों में ठीक है निचले हिस्सों में दर्द होता है ठीक है दर्द यानी कि पेन होता है ठीक है कमर तथा उसके आसपास के जो आपका एब्डोमिनल हिस्सा है और नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे क्या होगा वहां पे दर्द स्टार्ट होता है तब महिलाओं को समझ में आ जाता है कि अब क्या है अब डिलीवरी का जो टाइम है वो आपके बहुत ही निकट है तो उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में क्या होगा उस टाइम पीरियड में ठीक है उस टाइम पीरियड में क्या होगा उस टाइम पीरियड में आपके कमर तथा उसके आस के हिस्सों में जो है धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है जिसकी वजह से महिलाओं को ये समझ में आ जाता है कि अब जो है डिलीवरी का टाइम क्या है थोड़ा निकट आ गया है ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और ये दर्द ये नहीं कि बहुत तेजी से एक, एक बहुत तेजी से दर्द होगा पहले जो है धीरे धीरे गति में ठीक है धीमी गति में आपका पेन स्टार्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर पे होता है और इस तरह से ये चीजें स्टार्ट होती हैं चलिए आगे समझते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे स्टेजेस की यानी कि प्रसव की अवस्थाओं की और इसे बांटा गया है कितने भागों में तीन भागों में राइट कितने भागों में बांटा गया इसे इसे बांटा गया है तीन भागों में पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी है तो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम अवस्था को हम क्या कहते हैं प्रथम अवस्था को हम कहते हैं विस्फारण की अवस्था अब देखिए इसे कुछ लोग विस्फारण भी बोलते हैं कुछ विस्तारण भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा वैसे अगर हिंदी में अगर हम आपको बताएं तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहते हैं विस्फारण की अवस्था या फिर आप कह सकते हैं विस्तारण की अवस्था राइट ये जो सेकेंड स्टेज है द्वितीय अवस्था है इसे क्या बोला द्वितीय अवस्था को बोलते हैं निष्कासन की अवस्था अभी मैं आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आपको पता है फिगर के थ्रू ना यानी कि चित्रों की सहायता से कोई भी चीज बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है तो अभी फिगर के थ्रू हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे तीसरी जो स्टेज है यानी कि थर्ड स्टेज इस इसे क्या बोला जाएगा तीसरी स्टेज आपकी क्या होती है तीसरी स्टेज में ठीक है तीसरी स्टेज ये जो थर्ड स्टेज होती है प्रसव की उसको संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहते हैं संपूर्ण निष्कासन का क्या मतलब होता है कि अब बेबी जो है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है और जितनी भी आपके अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं स्लेस्मा कह सकते हैं और साथ ही आपका प्लेजेंटा अपरा ये सब क्या होगा एमनियोटिक झिल्ली झिल्ली कोरियन ये ये सब 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 क्या होगी के ये सब, ये सब बाहर निकल आती हैं और उसके बाद रिकवरी होती है अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं सभी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे बस आप लोग अच्छे से समझते चलिए तो आपको समझ में आ गया कि प्रसव की अवस्थाएं कितनी होती हैं फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज राइट फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे विस्फारण या विस्तारण की अवस्था सेकेंड स्टेज को क्या बोलेंगे सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं जन्म की अवस्था यानी कि आप हैं निष्कासन की अवस्था इसमें शिशु का जन्म होता है और तीसरी जो स्टेज है ठीक है थर्ड स्टेज जो है वो क्या होती है आपकी तो बिल्कुल थर्ड स्टेज का मतलब होता है संपूर्ण निष्कासन जितनी चीजें हैं वो सब क्या होंगी बाहर निकल आएंगी राइट चलिए आगे समझते हैं ठीक है अब देखिए यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको समझ में आएगा यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेज यानी कि डिलेशन ऑफ द सर्विक्स सर्विक्स का मतलब क्या होगा सर्विक्स का मतलब होता है ग्रीवा यानी माउथ ऑफ द यूट्रस ये क्या हो जाएगा ये आपका फैलने लगता है और सेकेंड स्टेज में डिलीवरी ऑफ द बेबी बेबी का जन्म होगा जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम एक्सपल्शन स्टेज के नाम से भी जानते हैं और जो थर्ड स्टेज है आफ्टर बर्थ वेयर यू पुश आउट द प्रेजेंटा यानी कि बेबी का जन्म हो चुका है अब जो प्लेजेंटा है जिसके अंदर बेबी आपका सुरक्षित था ठीक है और जिससे जिससे बेबी आपका सटा हुआ था, जिससे उसको पोषण मिल रहा था प्लेजेंटा के साथ साथ जो आपकी एमनियोटिक झिल्ली थी इसके साथ आपकी कोरियोन झिल्ली थी और सभी जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ ब्लीडिंग सारी चीजें क्या होती है निकल जाती हैं किसमें थर्ड स्टेज में ठीक है तो आफ्टर बर्थ यू पुश आउट द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है निकल आता है तीन स्टेज हो गई अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में धीरे धीरे एक एक चीजों को समझेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है ठीक है कौन सी स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं डिलेशन की स्टेज ठीक है इसे हम क्या बोलेंगे डिलेशन आई होप आपको इमेज क्लियर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो फर्स्ट स्टेज है इसे हम डिलेशन की स्टेज कहते हैं ये आपका सर्विक्स है और ये आपकी वेजाइना है इसमें क्या हो रहा है इसमें आपका जो बेबी है वो बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है ठीक है बेबी क्या है बेबी आपका बाहर आने के लिए तैयार है गर्भाशय में अब संकुचन उठेगा क्या होगा गर्भाशय आपका जो है संकुचित होने लगता है कमर के निचले भाग में दर्द उठने लगेगा समझ रहे हैं आप लोग ठीक है पहला समझिए देखिएगा यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा गर्भाशय में संकुचन होने लगेगा गर्भाशय का संकुचन होगा और क्या होगा ठीक है गर्भाशय का संकुचन होगा साथ ही कमर के हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज की ठीक है फर्स्ट स्टेज की क्या कहा जाता है इसको बताइए आप सभी नाम बताइए अभी आपको बताया गया था क्या कहा जाता है इसको बिल्कुल इसे कहा जाता है क्या इसे कहा जाता है आपका ठीक है इसे कहा जाता है प्रसव की प्रथम अवस्था ठीक है इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे प्रसव की प्रथम अवस्था प्रसव की प्रथम अवस्था जिसमें क्या होगा जिसमें आपकी साथ ही इसको और कौन सा नाम दिया गया है बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताते रहे कि इसे और कौन सा नाम दिया गया है तो इसे कहा गया है विस्फारण की अवस्था ठीक है क्या कहा गया है विस्फारण की अवस्था कहा गया है ठीक है राइट क्लियर होगा चलिए समझते हैं ओके देखिए विस्फारण की अवस्था राइट अब ये जो विस्फारण की अवस्था है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी आपको बताया था इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे ठीक है? है? क्या क्या बोलेंगे? Stage of right. अब इसमें क्या हो रहा गर्भाशय आपका संकुचित हो रहा है कमर के निचले हिस्से में बहुत तीव्र दर्द उठता है और साथ ही क्या होता है तो आपका ठीक है तो आपका जो सर्विक्स है जो सर्विक्स है सर्विक्स मतलब ग्रीवा सर्विक्स सर्विक्स का का मतलब मतलब क्या होता है? सर्विक्स का मतलब होता है है जो ग्रीवा है वो क्या होगा वो फैलने लगती है ठीक है सर्विक्स क्या होगी सर्विक्स आपकी फैलने लगती है ठीक है और आपका साथ ही इसी को हम बोलते हैं विस्तारण की अवस्था देखिए विस्तारण क्यों कहा गया क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इसमें विस्तार हो रहा है किसका सर्विक्स का ग्रीवा का ठीक है इसलिए इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि आपके विस्तारण की इस अवस्था को और किस नाम से जानते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम विस्तारण की अवस्था भी कहते हैं नाम ध्यान में रखिएगा क्या बोलेंगे विस्तारण की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बताइए समझ में आ रहा है आप सभी को इसे हम क्या कहेंगे इसे हम विस्तारण की अवस्था के नाम से भी जानते हैं ठीक चलिए आगे समझिएगा विस्तारण क्यों कहते हैं ये आपको बिल्कुल आप सभी को ये क्या होगा समझ में आ रहा होगा अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो आपको कुछ चीजें और इसके अंतर्गत बताते हैं पहला आपको समझ में आ गया पहला क्या हो रहा है गर्भाशय का संकुचन हो रहा है मांसपेशियां ऊपर की ओर खींच रही हैं और आपको पता है गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती है वो जो ऊपरी मांसपेशी होती है ऊपर की तरफ की जो मांसपेशी होती है वो कठोर होती है वहीं अगर निचले हिस्से की बात करें तो निचले हिस्से की जो मांसपेशियां होती है वो आपकी कोमल होती हैं इसीलिए वो वो क्या होंगी ऊपर की तरफ आपकी सिकुड़ेंगी स्थान बनाएंगी कि जो बच्चा है वो क्या हो अब बाहर की तरफ जाए जन्म ले और माता क्या करती है इसमें माता जो है कहते हैं ना पुश करो तो माता क्या काम करती है माता पुश करने का काम करती है जिससे बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आ सके बहुत सारी मूवियों में भी आपने देखा होगा बहुत से टीवी सीरियल्स में भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं अब मूवी की बात करें तो आपने थ्री इडियट्स देखा होगा राइट सभी देखे हैं थ्री इडियट्स उसमें देखिए किस प्रकार से उस मोना की प्रेगनेंसी कराई जाती है आमिर खान के द्वारा और साथ ही अगर सीरियल्स की बात करूं तो आप सभी सीरियल्स तो देखते ही होंगे इस समय एक बहुत लोकप्रिय सीरियल आ रहा है गुम है किसी के प्यार में उसमें आप देखते हैं एक कैरेक्टर है विराट का और वो क्या करता है वो पाखी की डिलीवरी कराता है तो उसमें आप देखे होंगे कि किस प्रकार से वो की, जो है उसकी डिलीवरी करा रहा है जब उसके पास कुछ भी औजार वगैरह कुछ भी उपस्थित नहीं होता तो वो वैक्यूम की सहायता से अभी आप आगे पढ़ेंगे कि वो क्या करता है वैक्यूम की सहायता से उसकी डिलीवरी कराता है तो ये सब आप अभी डिलीवरी के टाइप्स में पढ़ेंगे राइट चलिए समझते हैं इसमें क्या हो रहा है विस्तारण की अवस्था इसको कहा गया और क्या कहा जाता है और क्या होता है इसमें तो बिल्कुल इसमें जो है योनि मार्ग से ठीक है इसमें क्या होगा इसमें आपके यौनी मार्ग से यौनी मार्ग से यौनी मार्ग रक्त स्लैस का रक्त स्लेसमा का निष्कासन होगा रक्त स्लैसमा का निष्कासन होगा राइट right? कोई दिक्कत कोई परेशानी आप सभी को आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझिए और क्या होता है इसमें तो इसमें और क्या होगा इसमें जो है संकुचन होगा जैसे कि आपको पहले ही बताया था साथ ही आपकी एमनियोटिक द्रव का एमनियोटिक द्रव का क्या होगा एमनियोटिक द्रव का निष्कासन होगा एमनियोटिक द्रव का निष्कासन धीरे धीरे इसी स्टेज से प्रारंभ होने लगता है अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो स्टेज है इसका टाइम पीरियड क्या होता है कितनी देर तक की ये अवस्था होती है तो बहुत जगह आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी देखिए, अगर किसी का फर्स्ट मतलब पहली बार डिलीवरी हो रही है तो उसकी जो स्टेज है उसका जो टाइम पीरियड है वो अलग होगा वहीं अगर हम देखें कि किसी की जो है दूसरी डिलीवरी है या तीसरा बच्चा है तो उसका टाइम पीरियड अलग होगा अगर इन शॉर्ट की बात करें तो आप मिला के कह सकते हैं ठीक है आप कह सकते हैं कि जब प्रथम प्रसव होता है ठीक है जब पर, प्रथम प्रसव होता है तो जो समय है ठीक प्रथम प्रसव है तो जो समय है वो कितना लगेगा तो वो आपका लगभग कह सकती है बारह घंटे अच्छा क्या ये थोड़ा सा मिनट है ये थोड़ा सा दर्द है सोचिए बारह घंटे तक माँ क्या करती है दर्द को सहन करती रहती है और ये जरूरी नहीं है ये लगभग मैं आपको बता रही हूं लगभग सामान्यतः बारह घंटे ये इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो कहते हैं कि लगभग कम से कम बारह घंटे जो है फर्स्ट टाइम डिलीवरी में लगता है कब पहली डिलीवरी जब होती है महिला की फर्स्ट जब आपकी डिलीवरी रहती है तब ये होता है वहीं अगर हम कहें कि दूसरी जब डिलीवरी रहेगी तो क्या होगा बिल्कुल दूसरी डिलीवरी में फर्स्ट डिलीवरी से थोड़ा सा कम समय लगता है लगभग आप कह सकते हैं कितना तो कह सकते हैं ना 6 से आठ घंटे इससे कम लगता है मतलब 6 से आठ घंटे सामान्यतः कब जब आपकी दूसरी या तीसरी डिलीवरी होती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है अगर हम पूछा जाए आपसे कि टाइम पीरियड कितना लगता है तो पहली डिलीवरी में लगभग बारह घंटे और दूसरी डिलीवरी में छह से आठ घंटे आप कह सकते हैं लगता है ठीक है अब ये जो टाइम पीरियड है ना सबसे ज्यादा टाइम पहले ही आ, मतलब जो स्टेज होती है डिलीवरी की उसी में लगता है सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रसव की अवस्था है जिसमें सबसे अधिक समय लगता है तो आंसर क्या करेंगे प्रथम अवस्था ठीक है क्या करेंगे बिल्कुल प्रथम अवस्था आप लोग करेंगे चलिए समझते हैं आगे अब जो आपकी ठीक है आपको प्रथम अवस्था समझ में आ गई होगी आई होप बहुत सारी चीजें इसमें आपने पढ़ ली हैं अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे तो हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की ठीक है हम बात करेंगे किसकी सेकंड स्टेज की तो फटाफट -फड़ से ये बताइए आप सभी कि अभी आपको बताया गया था कि द्वितीय अवस्था कौन सी होती है तो बिल्कुल जो दूसरी अवस्था है चलिए जानते हैं फिर से एक बार रिकॉल करिए आप लोग की प्रसव की जो दूसरी अवस्था थी प्रसव की जो द्वितीय अवस्था थी उसे क्या कहा गया है द्वितीय अवस्था इसको क्या कहा गया है बताइए इसे क्या कहा गया है जी बिल्कुल इसे क्या कहा गया है इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ लेबर स्टेज ऑफ लेबर राइट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है निष्कासन की अवस्था समझ में आ रहा है क्या कह सकते हैं आप इसको इसे आप कह सकते हैं निष्कासन की अवस्था निष्कासन और ध्यान से सुनिए ये जो नाम है ये वाकई इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है निष्कासन की अवस्था चलिए निष्कासन की अवस्था आपको समझ में आ रहा होगा निष्कासन शब्द पे ही जाइए बहुत सारी चीजें हमें शब्दों के माध्यम से समझ में आती हैं अगर लिखा हुआ है निष्कासन वैसे तो मैं आपको प्रेफर ये कि आप इंग्लिश के शब्द भी याद रखें ठीक है स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में जरूर इसको जरूर याद रखिए हो सकता है आपको यहाँ पे हिंदी में कुछ इधर उधर दे दे तो आपका गलत हो जाएगा तो इसलिए सेकेंड स्टेज को क्या बोलेंगे स्टेज ऑफ लेबर या फिर हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको निष्कासन की अवस्था कहते हैं और जिस प्रकार से लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होगा ये आपके इसमें का क्या होगा इसमें यौनिका पूर्ण ठीक है का क्या होगा यौनिका पूर्ण विस्तारण होता है यानी विस्तार होता है ठीक है यौनिका क्या होगा यौनिका आपके पूर्ण विस्तारण होगा साथ ही ये अवस्था कब तक रहती है तो ये आपकी शिशु के जन्म तक रहती है ये आपकी जो अवस्था है ये कब तक रहेगी ये आपके शिशु के जन्म तक ये अवस्था रहती है जब तक के शिशु का जन्म हो नहीं जाता इसीलिए क्या लिखा है लिखा है यहाँ पे निष्कासन यानी कि शिशु क्या होगा ये आपके गर्भ से बाहर निकल आएगा निष्कासित हो जाएगा इसी को हम क्या बोल रहे हैं शिशु के जन्म की अवस्था की भी कह सकते हैं इसमें योनि का पूरी तरह से विस्तार होगा योनि आपकी फैल जाएगी और फिर शिशु क्या होगा उसी मार्ग से बाहर की तरफ निकल आता है ठीक है उसी आ, मार्ग से क्या करेगा बाहर की तरफ वो निकल आएगा चलिए आगे समझते हैं आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ध्यान से इसको सुनते चले और समझते चले ठीक है चलिए आगे क्या होगा बिल्कुल इस अवस्था को हम निष्कासन की भी अवस्था कह सकते हैं यानी स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्सपल्शन एक्सपल्शन यानी यानी कि इसको अभी आपको बताया ना इसको क्या कह सकते हैं निष्कासन की अवस्था भी कह सकते हैं अब ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम अवस्था थी उसमें क्या हो रहा था बताइए उसमें क्या हो रहा था उसमें आपके लगभग बारह घंटे या फिर दूसरे में छह से आठ घंटे लग रहे थे अब इसमें क्या होगा ठीक है अब इसमें जो समय है वो कैसा होगा समय समझिए इसका जो समय है वो प्रथम प्रसव से कम होगा क्योंकि प्रथम प्रसव में अभी आपको बताया बहुत अधिक समय लगता है इसमें आपके कम समय लगेगा लगभग आप कह सकते हैं कि डेढ़ घंटे ठीक है डेढ़ घंटे से कितना डेढ़ घंटे से आपका दो घंटे डेढ़ घंटे से लगभग दो घंटे कब जब बेबी कौन सा हो जब आपका फर्स्ट बेबी हो ठीक है जब फर्स्ट बेबी हो तो ये आपका डेढ़ से दो घंटे का समय इसमें लगता है आप बहुत सी महिलाओं को याद आ रहा होगा उनका खुद का वो पल जब वो इस चीज को फील की होंगी महसूस की होंगी तो उन्हें खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें होती हैं वहीं अगर हम बात करें बहुप्रसव की यानी कि जो जिनका सेकेंड बेबी होता है ठीक है जिनका सेकेंड या थर्ड बेबी होगा उनमें कितना समय लगता है तो उसमें ये आपकी लगभग आधे घंटे से भी कम आधे घंटे या फिर उससे भी क्या हो सकता है ये स्टेज आपकी कम हो सकती है ठीक है आधे घंटे भी हो सकता है आधे घंटे से कम की भी स्टेज हो सकती है ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से माँ का शरीर है बहुत डिपेंड करता है कि माँ का शरीर कैसा है पोषण कैसा है आज के टाइम पे देखिए आज के टाइम पे तो पूरा बेड रेस्ट दे देते हैं ना कि महिलाएं क्या कर रही है पूरी तरह से बेड रेस्ट कर रही है तो हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है वो उतनी सही ना हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है लेकिन अगर महिलाएं महिलाएं का जो शरीर है जो उनकी बॉडी है वो क्या है वो थोड़ी लचीली है यानी कि सारी चीजें ठीक ठाक है उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो समय कम भी लग सकता है ये आपकी स्टेज हो गई किसकी ये हो गई आपकी निष्कासन की अवस्था ठीक है ये क्या हो गई निष्कासन की अवस्था चलिए फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं देखिए आप सभी ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सेकेंड स्टेज है आप देखिए ये बच्चा जो है ये कितना जो है उत्साहित है ऐसा लग रहा है कि बस केवल अब निकालने दो हमें है ना तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ये जो बेबी है, head, कि यहां पे आपका जो बेबी है वो क्या हो रहा है अब, अब यहाँ पे क्या हुआ रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर यानी कि उसका सिर जो है वो क्या हो चुका है धीरे धीरे बाहर आ रहा है सिर के बाद कंधा फिर उसके बाद उसका बॉडी उसके बाद उसका पैर ये क्या होगा धीरे धीरे बाहर की तरफ पहले में क्या हो रहा है पहले उसका सिर बाहर देखिए थोड़ा सा बाहर आया, फिर यहां पे थोड़ा और अधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिर है वो बाहर आ चुका है अब धीरे धीरे बा, बाकी की जो बॉडी है वो माँ पुश करती रहती है और वो बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आता रहता है ठीक है ये नेचुरल डिलीवरी में इसी प्रकार की चीजें होती हैं ये आपकी नेचुरल डिलीवरी है ठीक है अभी आप आगे देखेंगे कि ऑपरेशन वाली अलग होती है उल्टा प्रसव आपकी अलग होती है ये क्या है ये नॉर्मल जो आपकी डिलीवरी होती है नॉर्मल प्रसव ठीक है नेचुरल डिलीवरी की बात हम यहां पे कर रहे हैं तो थर्ड स्टेज आपको समझ में आया थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है बेबी का पॉस्चर एक तरीके से देख लीजिए वो बेबी का जो पॉस्चर है वो कुछ इस प्रकार से है और वो सिर आधा यहाँ देखिए निकल चुका है है ना सिर क्या हो गया निकल गया है अब उसकी बॉडी धीरे धीरे क्या कर रही है इधर से माँ पुष्प करती रहती है और वो जो है बाहर की तरफ निकलने लगता है और यहाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो शिशु है वो क्या हुआ है वो पूरी तरह से निकल गया है लेकिन अभी भी ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है आप ये देख सकते हैं यही कॉर्ड जो होता है यही क्या कहलाता है ध्यान से देखिएगा आप बहुत से बच्चों को क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है इस बात पे कि प्लेजेंटा और अम्बेलिकल कॉर्ड क्या है एक ही है बिल्कुल ये दोनों अलग अलग होते हैं प्रेजेंटा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एरिया प्रेजेंटा कहलाती है, है और इसी में आपका एम्बेलिकल क्या होता है टच होता है और ये बेबी के नाभि से जुड़ा होता है ठीक है ये क्या होता है बेबी के नाभि से जुड़ा होता है पोषण का अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पोषण कौन प्रदान करता है बच्चे को तो बच्चे को पोषण प्रदान करता है कौन प्रेजेंटा प्रेजेंटा क्या करती है प्रेजेंटा जो है वो खींचती है पोषण को माता के रक्त से ठीक है माता के रक्त से क्या करेगी पोषण को खींचेगी ऐसे समझिए आप लोग ये चीजें ठीक है मान लीजिए ये क्या है ये गर्भ है और यहाँ पे होती है आपकी ठीक है यहाँ पे हो गई प्लेजेंटा ठीक है ये क्या हो गई ये हो गई प्लेजेंटा और यहीं पे होता है आपका बेबी ठीक है यहीं पे आपका मान लीजिए क्या हो गया ये बेबी हो गया ठीक है ये बेबी हो गया और ये यहाँ से अम्बेलिकल कॉर्ड इसी बेबी से अटैच होती है ठीक है वो क्या होगी वो बेबी से अटैच्ड होगी और फिर ये जो आप प्रेजेंटा देख रहे हैं ये क्या करती है ये यहाँ से पोषण खींचती है माता के रक्त से यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी माता के रक्त से पोषण को लेंगी और यही प्रेजेंटा प्रेजेंटा लेती है डायरेक्ट माता का जो ब्लड है ना माता का जो रक्त है वो बच्चे के शरीर में नहीं जाता वहां से जो पोषण है उसको प्रेजेंटा ने लिया और अम्बेलिकल कॉर्ड की सहायता से बच्चे को वो प्राप्त हो जाता है ठीक है क्या होगा बच्चे को वो प्राप्त हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये क्या है बच्चा आपका बाहर निकल गया है अब ये जो कॉर्ड है इसको क्या कर दिया जाता है कट कर दिया जाता है अभी आप आगे ये चीजें देखेंगे तो ये जो पूरी स्टेज आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी प्रकार से आपकी ये कौन से स्टेज कहलाती है ये आपकी सेकेंड स्टेज यानी कि निष्कासन की अवस्था आप इसको कह सकते हैं ठीक है निष्कासन की अवस्था कह सकते हैं संपूर्ण निष्कासन की अवस्था नहीं कहेंगे संपूर्ण निष्कासन

तो ये होता है भावनात्मक जुड़ाव इसे कहते हैं भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है राइट right? तो अभी हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे द्वितीय अवस्था जिसमें का योनिकापूर्ण क्या हो गया विस्तारण हो गया और साथ ही शिशु का जन्म हो गया स्टेजेस ऑफ एक्सपल्शन कहते हैं टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना लग रहा है अब एक चीज और ध्यान दीजिए इस स्टेज में जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं ठीक है इस स्टेज में डॉक्टर भी कुछ काम करते हैं और वो क्या करते हैं वो प्रत्येक पांच पांच मिनट में क्या करेंगे वो प्रत्येक पांच मिनट में गर्भस्थ शिशु के गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन सुनते हैं क्यों क्योंकि जरूरी है कि बच्चा आपका जो है किस उसका हर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई समस्या तो नहीं हो रही है डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई समस्या हुई तो फिर क्या करेंगे फिर सिजेरियन करेंगे अगर नॉर्मल डिलीवरी में ये चीजें नोट करते रहते हैं डॉक्टर ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कुछ उ, उसके साथ समस्या तो नहीं हो गई इसीलिए वो हर पांच पांच मिनट पे क्या करेंगे गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन सुनते हैं ठीक है इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हाँ करानी चाहिए अस्पताल में हॉस्पिटल में क्यों क्योंकि घर पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाना पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए कहा जाता है कि कहाँ लेके जाए भाई गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए तो डॉक्टर क्या करेंगे हर पांच पांच मिनट पे गर्भ शिशु के हृदय की धड़कन सुनेंगे और उसको नोट करते रहते हैं कहीं उसमें कोई समस्या ना आ रही हो ठीक है चलिए अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है ना तो ये जो आपकी अम्बेलिकल कॉर्ड है हो सकता है वो इसके शरीर से लिपटी हुई हो ठीक है क्या हो ये इसके शरीर से लिपटी हुई हो तो अब डॉक्टर क्या करते हैं इसको निकालते हैं उसकी जो बॉडी है उसे साफ करेंगे सारी का यहाँ पे सारे काम किए जाते हैं अब इसको काटा जाएगा इसको साफ किया जाएगा पहले अगर गले वाले में फंस गई है ये कॉर्ड तो इसको क्या करेंगे निकालेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चलिए थर्ड स्टेज समझते हैं थर्ड स्टेज जो होती है इसे हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ डिलीवरी आफ्टर बर्थ डिलीवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड स्टेज में राइट देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आपको सारी चीजें दिखेंगी इसीलिए मैं इतनी सारी पिक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं कि बस आपको फिगर के थ्रू चीजें समझ में आ जाए थर्ड स्टेज की बात करते हैं आफ्टर बर्थ डिलीवरी यानी कि बच्चे का जन्म हो चुका है अब जो तीसरी स्टेज है एक बार नाम बता दीजिए आप सभी क्या कहते हैं तो बिल्कुल इसे हम कहेंगे प्रसव की तीसरी अवस्था है ना ये कौन सी अवस्था हो गई आपके प्रसव की तीसरी अवस्था हो गई जिसको हम क्या बोलेंगे जिसे हम बोलेंगे संपूर्ण निष्कासन राइट क्या बोलेंगे इसे हम बोलते हैं संपूर्ण निष्कासन की अवस्था समझते चलिए संपूर्ण निष्कासन की अवस्था ये आपके संपूर्ण निष्कासन की अवस्था हो जाती है साथ ही इसमें क्या होता है इसमें अभी आपको बताया गया कि इसमें जितनी चीजें हैं वो सब क्या होंगी बाहर निकलेंगी अब जितनी चीजें हैं में, ये देखिए ये क्या है ये आपका अभी बताया था आपको ये क्या है ये प्लेजेंटा है ठीक है अब ये यहाँ पे अम्बेलिकल कॉर्ड है ये निकल गया अब ये जो प्रेजेंटा है ये क्या होगा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना तो गर्भाशय से आपकी ये जो कार आपकी प्रेजेंटा है ये निकल जाएगी और धीरे धीरे ये सारी चीजें ये सब कुछ क्या होगा बाहर की तरफ निकलने लगेगा प्रेजेंटा डिटेक्स एंड एग्जिट्स थ्रू वेजाइना यानी वेजाइना के थ्रू योनि मार्गिट के थ्रू जो प्रेजेंटा है सभी जो पदार्थ हैं आपकी एमिनियोटिक द्रव्य है झिल्ली है ठीक है कॉरियन झिल्ली है ये सब कुछ क्या होगा ये सब कुछ बाहर निकल आएगा अब बार बार मैं प्लेजेंटा प्लेजेंटा बोल रही हूं तो प्लेजेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लेजेंटा को हम क्या बोलते हैं प्लेजेंटा को बोलते हैं अपरा राइट क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपरा ठीक है तो अगर अपरा लिखा हुआ है तो भी वही बात कही जा रही है अभी संपूर्ण निष्कासन आपको समझ में आया क्या हो रहा है बिल्कुल इसमें आपकी जो एमनियॉन एमनियॉन के अलावा आपका कॉरियॉन ये सब क्या हो जाएंगी ठीक है ये सब क्या हो जाएंगी ये सब आपके बाहर आ जाती हैं। रक्त जो द्रव्य है ये सब बाहर आ जाते हैं ठीक है ये सब क्या होंगे ये सभी बाहर आ जाएंगे साथ ही आपके ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा साथ ही आपके जो गर्भाशय है उसकी पूरी तरह से सफाई होगी और यहाँ पे भी डॉक्टर बहुत ही सतर्क रहते हैं क्योंकि अगर कुछ भी आपके शरीर में बच गया तो ये बहुत नुकसान करेगा पूरी बॉडी आपकी जो है क्या हो सकती है उससे डैमेज डैमेज का मतलब ये है कि हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए इसीलिए बहुत ध्यान से देखते हैं कि गर्भाशय अच्छे से आपका क्लीन हो गया है कि नहीं सारी चीजें साफ हो गई कि नहीं तो इसलिए इसमें क्या होगा गर्भाशय की सफाई होगी योनि मार्ग की डॉक्टर अच्छे से क्लीनिंग उसकी करते ताकि कोई भी बिल्कुल भी इन्फेक्शन क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शन का भी काफी खतरा होता है तो इसलिए इन्फेक्शन ना हो सके इसलिए क्या किया जाएगा गर्भाशय की आपकी अच्छे से सफाई की जाती है प्लेजेंटा बाहर निकल चुका है बिल्कुल प्लेजेंटा आपका यहाँ पे बाहर निकल चुका है ठीक है प्लेजेंटा क्या हो गया है बाहर निकल चुका है यानी कि अपरा साथी अपरा और आपका प्रेजेंटा यानी कि अपरा जो है वो बाहर निकल चुका है नाभिनाल यानी कि एमनी और नाभिनाल ठीक है नाभिनाल भी बाहर निकल गया है साथ ही आपका स्लेस्मा स्लेस्मा रक्त ये सब कुछ क्या होता है सब के सब बाहर आ जाते हैं और लगभग बिल्कुल मैं आपको हर चीज़ में टाइम जरूर बता रही हूँ क्योंकि समय क्या होता है पूछा जाता है और इन सभी में लगभग दस से पंद्रह मिनट का समय लग जाता है ठीक है ये सभी निकलने में लगभग कितने मिनट लग जाएंगे इन सभी को निकलने में लगभग आपके 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है ठीक है बताइए यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे क्या हुआ गर्भाशय की पूरी तरह से क्या की गई सफाई की गई सारी चीजें निकल गई अब उसको गर्भाशय को क्या किया जाएगा अच्छे से धुल करके उसको साफ कर दिया जाएगा ताकि सब कुछ क्लीन हो जाए ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए फर्स्ट स्टेज को दिख रही होगी यहाँ पे देखिए बच्चा क्या है पूरा इतना मार्ग

देख सकते हैं आप फिगर के थ्रू देखिए अच्छे से आपको समझ में आएगा शिशु बिल्कुल तैयार है बिल्कुल मन बना लिया है हाथ वाथ ऐसे करके कि अब हमको क्या करना है अब हमें बाहर निकलना है ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो क्या हुआ है ये देखिए यहाँ पे ये जो मार्ग है ये क्या हो रहा है धीरे धीरे खुल रहा है ग्रीवा जो है वो फैल रही है ठीक है ग्रीवा क्या हो रही है फैल रही है मार्ग बन रहा है जिससे क्या होगा शिशु यहीं से आपका बाहर निकलेगा यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं आप ये फैल रही है और ये जो उसका सिर है ये नीचे की तरफ अब आ रहा है ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है सिर जो है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है और इस समय बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ज्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है एक महिला के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है कहते हैं कि पता नहीं कितनी हड्डियों का ज, जैसे टूटता है लगभग लग 40 से 45 हड्डियां कह सकते हैं कि जब टूटती हैं तो जो पेन होता है जो दर्द होता है वो आपके इस टाइम पे होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम पे ठीक है चलिए थर्ड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है बच्चा बस पूरी तरह से ये देखिए यहाँ पे ये जो मार्ग है आपको दिख रहे होंगे ये क्या हो गया है ये आपका फैल रहा है यानी सर्विक्स जो है वो क्या हो रही है सर्विक्स आपकी पूरी तरह से बढ़िया जगह बना ली है और बच्चा बिल्कुल एकदम तैयार हो गया कि अब क्या करना है उसको बाहर निकलना है और ये हल्का सा जो है मुड़ गया है और अब ये क्या होगा अब ये बाहर निकलेगा सर्विक साफ की जो ग्रीवा है वो फैल चुकी है इंटरनल रोटेशन यानी बेबी देखिए बिल्कुल अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी क्या था यहाँ पे अभी ऐसे करके था अब ये क्या हुआ बेबी आपका रोटेट हो गया है ठीक है आप देख सकते हैं बेबी क्या हुआ रोटेट हुआ जिससे वो आसानी से क्या हो सके निकल सके अब यहाँ पे देखिए ये आपकी क्राउनिंग स्टेज है और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आपका इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है क्राउनिंग स्टेज क्या होती है क्या होता है क्राउनिंग स्टेज तो इसमें जो सिर है बेबी का ये क्या होगा ये बाहर दिखने लगेगा ठीक है क्या होगा जो बेबी का सिर है ठीक है सिर जो है वो क्या होगा वो बाहर दिखाई देने लगेगा बेबी का सिर बाहर दिखाई देने लगा है और ये स्टेज मतलब अब अब क्या हो गया अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बेबी का सिर दिखने लगा है ठीक है तो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत जल्दी ये जो आपका बेबी है वो बाहर आ जाएगा तो सिर अब इसका दिख रहा है और डॉक्टर इंतजार करते रहते ये टाइम कब कब क्राउनिंग स्टेज आएगी, कब क्राउनिंग स्टेज स्टेज आएगी आएगी तो अब यहाँ पे क्या हो गया जब बेबी का सिर दिखाई देने लगा तो इसी को हम बोलते हैं क्राउनिंग स्टेज यानी बेबी अब बाहर आने के लिए तैयार है आपने देखा होगा बहुत सी मूवी में भी या फिर बहुत से सीरियल्स में आपने देखा होगा अः कि ये जो स्टेज है अब यहाँ पे अगर कठिनाई हो रही है ठीक है महिला को यहाँ पे कठिनाई हो रही है कि अब वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं कर पा रही है या कोई दिक्कत हो रही है समस्या हो रही है तो यहाँ पे आपका वैक्यूम के थ्रू भी बेबी को यहाँ से निकाला जाता है यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा करके आपकी वेजाइनर के पास थोड़ा तो कट लगा देंगे अगर स्पेस नहीं बन पा रहा है जगह नहीं हो पा रही है कि बेबी आपका आसानी से निकल सके तो क्या करेंगे बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा कट लगा देते हैं जिससे बेबी आपका आसानी से निकल सके या फिर वैक्यूम होता है अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी वैक्यूम होता है उससे इसको पकड़ते हैं इसका सिर और बाहर की तरफ खींच लेते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए बेबी का जो हेड है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है एक्सटेंशन ऑफ हेड बेबी का जो सिर है वो पूरी तरह से क्या हो गया आप सिर आपका बाहर आ चुका है ठीक है सिर क्या हो गया है सिर बाहर आ चुका है अब बस केवल बेबी हल्का मतलब बहुत कम समय लगेगा जब आप अपने बच्चे को बिल्कुल देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए है ना चलिए यहाँ पे क्या हुआ अब देखिए बिल्कुल ये अब आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे इसके सिर के साथ साथ हाथ वगैरह भी बाहर आ चुके हैं ठीक तो ये आपकी स्टेजेस थी जो कि मैंने अभी आपको समझाई देख सकते हैं आप इन शॉर्ट स्टेजेस ऑफ बर्थ इन वेल डिलीवरी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ आपका देखिए प्री लेबर स्टेज एंगेजमेंट और फिर आपका इंटरनल और फिर ये देखिए ये क्राउनिंग स्टेज मैंने आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फिर ये देखिए आपका आधा सिर आया फिर धीरे धीरे बच्चा पूरा ही क्या हो जाएगा आपका डिलीवर हो जाएगा यानी प्रसव प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी जब ये पूरा का पूरा बेबी आपका बाहर आ जाता है अब सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपने तीनों अवस्थाएं समझ ली प्रसव की तीन अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी पहला आपने समझ लिया कि पहली आपकी जो स्टेज थी वो थी आपकी विस्तारण की स्टेज जिसे हम विस्तारण की अवस्था भी कहे दूसरी जो स्टेज थी उसमें क्या हुआ उसमें शिशु का जन्म हुआ जिसको हम निष्कासन की अवस्था भी कहते हैं और जो तीसरी स्टेज थी उसे हम संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहते हैं यहाँ पे आपको तीनों समझ में आ गया सबसे जो मोस्ट चीज है वो ये है कि अब रिकवरी होती है ठीक है क्या होता है रिकवरी होती है यानी कि जो शिशु है वो बाहर आ चुका है अब जो गर्भा गर्भ है महिला का जो गर्भ है क्या था वो थोड़ा सा फूला हुआ था जैसे कि आप कह सकते हैं बैलून लाइक बैलून में हवा भरी है तो वो क्या हो जाएगा फूल जाएगा तो गर्भ में भी बेबी था तो वो थोड़ा सा क्या था फूला हुआ था अब बेबी भी बाहर आ चुका है सारे जितने भी अपरा वगैरह सब कुछ थे वो सब बाहर आ चुके अब क्या होगा अब आपके गर्भाशय की रिकवरी होगी यानी वो फिर से धीरे 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 अपनी स्टेज में वापस आता है ठीक है अपने स्टेज में क्या होगा जैसे वो था वैसे ही धीरे धीरे क्योंकि संकुचन हुआ था आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि गर्भाशय की जो झिलियां थी ऊपर की क्या होती कठोर नीचे की क्या होती है मुलायम तो वो सिकुड़ी थी तो अब धीरे धीरे क्या होंगे वो सब कुछ धीरे धीरे बराबर होगा तो ये जो लास्ट में आपका क्या होता है लास्ट में रिकवरी पीरियड होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होगा महिला की पूरी तरह से उसकी बॉडी की यानी कि कुल मिला के आप एब्डोमिनल पार्ट की क्या होगी उसकी रिकवरी होगी सारी चीजें ठीक ठाक से हो जाती हैं इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है लेकिन धीरे 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 करके वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आगे चले हम लोग अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने प्रसव प्रक्रिया पढ़ ली अब जो हमें पढ़ना है वो है आपकी टाइप्स ऑफ डिलीवरी अब प्रसव की जो डिलीवरी है यानी कि बच्चे जो बाहर निकल रहा है वो कई सारे जो है अलग अलग प्रकार है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी पहला है सामान्य व स्वाभाविक प्रसव जैसे अभी मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई वो क्या थी वो नेचुरल डिलीवरी थी राइट right? वो क्या था वो आपका नेचुरल डिलीवरी थी सेकंड आपका उल्टा प्रसव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उल्टा प्रसव इसको ब्रीच डिलीवरी के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है थीके? क्या बोलेंगे ब्रीच डिलीवरी भी जानते हैं समझिएगा ब्रीच और ऐसे भी आपके टीजीटी पीजीटी में तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्रीच डिलीवरी निम्न में से किसको कहा जाता है सीधी सी बात है उल्टा प्रसव उल्टा प्रसव नाम से ही समझिए अभी तक मैंने जो आपको फिगर दिखाया था ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो इसमें क्या है बच्चे का सिर बाहर आ रहा है नॉर्मल डिलीवरी है सिर बाहर आ रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें आपके उल्टा प्रसव यानी सिर पहले बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा भाई तो आपका इसमें पैर बाहर पहले आता है उसके बाद जो है आपका सिर आएगा ठीक है तो इसमें पैर पहले बाहर आता है थर्ड जो है आपका औजारों व उपकरणों द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है कोई समस्याएं उसके साथ हो जाएंगी मतलब महिला की जो शरीर है वो कमजोर है जिसकी वजह से वो पुश नहीं कर पा रही है या फिर बच्चा तिरछा है या कुछ भी मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं माँ और बच्चे के साथ जिसकी वजह से और कुछ औजारों का कुछ उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं ठीक है और फिर आपका चौथा जो स्टेज है वो क्या है चौथी जो प्रक्रिया है वो है ऑपरेशन द्वारा ऑपरेशन को हम बोलते हैं सिजेरियन इसमें मतलब सी सेक्शन इसमें क्या होगा बस कुछ नहीं ऑपरेशन और मोस्टली आज के टाइम पे क्या हो रहा है आप सभी बताएं फटाफट से बताएं तो आप सब जानते हैं आज के टाइम पे बस यही देखने को मिलता है ये रेयर केस में आपको मिल जाएगा रेयर केस में रेयर मतलब समझते हैं ना रेयरली क्लियरली आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज्यादा क्या मोस्टली नाइन्टी परसेंट आपको ऑपरेशन कहते हैं अच्छा हाँ ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कहते हैं कि भाई ऑपरेशन में क्या करना है बस केवल जाना है और चीरा लगवाना है बच्चे को बाहर निकालना है लेकिन आपको पता है ये जो ऑपरेशन होता है इसकी वजह से महिलाओं को बहुत टाइम तक मतलब नॉर्मल डिलीवरी तो रिकवरी हो गया फिर धीरे धीरे महिला ठीक हो जाती है इसमें तो टाइम तक सफर करना पड़ता है इतनी सारी इंजेक्शन टाके दवाइया बहुत ज्यादा महिलाओं को इसमें सफ़र कर, करना पड़ जाता है लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर मतलब सोचते रहते हैं कि ऑपरेशन ही हो महिलाओं का ज्यादा बेटर है राइट तो ये कुछ आपके प्रकार यहाँ पे लिखे हुए थे जिसमें आपको मैंने बता दिया सामान्य व स्वाभाविक प्रसव उल्टा प्रसव औजारों व उपकरणों द्वारा और फिर है आपका ऑपरेशन चलिए समझते हैं एक एक चीजों को ठीक है सामान्य प्रसव आपको समझ में आ गया होगा सामान्य प्रसव में क्या हुआ सामान्य प्रसव में आपका बच्चा जो है वो योनि मार्ग द्वारा सामान्यतः बाहर आ जाता है ठीक है सामान्य में क्या हुआ बच्चा आपके योनि मार्ग द्वारा सामान्यतः बाहर आ जाता है उल्टा प्रसव में क्या होगा ठीक है उल्टा प्रसव में क्या होगा उल्टे प्रसव में बच्चे का पैर पहले बाहर आता है उसके बाद उसका बॉडी और फिर आपका जो सिर है वो बाहर आएगा औजारों व उपकरणों द्वारा देखिएगा औजारों व उपकरणों की हम अगर बात करें तो ये देखिए ये क्या है कोई बता सकता है ये क्या चीजें हैं ये कौन से यंत्र हैं भाई तो ये जो यंत्र हैं ये जो उपकरण हैं इनको हम क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है फॉरसेप क्या बोला जाएगा इन्हें बोला जाता है फॉरसेप्स ये आप देख सकते हैं हैं ये विभिन्न प्रकार के फॉरसेप्ट आपको दिख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के हैं जिनका प्रयोग करके क्या करते हैं बेबी को बाहर निकाला जाता है ये उपकरण है जिन जैसे मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा था ठीक है यहाँ पे देखिए क्राउनिंग स्टेज ठीक क्राउनिंग स्टेज यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ महिला जो महिला है वो क्या कर रही है वो पुश नहीं कर पा रही है ठीक है वो पुश नहीं कर पा रही है और यहाँ पे मार्ग जो है बहुत छोटा है या महिला बहुत कमजोर है बच्चा बहुत कमजोर है बहुत सारी समस्याएं महिलाओं और बच्चे के साथ हो रही तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में फॉरसेप की सहायता से ठीक है फॉरसेप्स की सहायता से डॉक्टर क्या करेंगे बच्चे को बाहर खींच लेते हैं फॉरसेप्स की सहायता का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है का उपयोग कर, करते हैं और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था इसके अलावा हम उपयोग किस चीज का करते हैं ये बिल्कुल देखिए वैक्यूम ये भी आपकी डिलीवरी के ही अंतर्गत आते हैं ये है आपका वैक्यूम आपने ये चीजें देखी थी कहाँ पे याद कीजिए आपने देखा था ना थ्री इडियट्स मूवी में क्या करता है आमिर खान वो बिल्कुल इसी वैक्यूम की सहायता से क्या करता है बेबी को बाहर निकालता है बेबी का जो सिर होता है ठीक है बेबी का जो सिर होता है उसी को उसी को क्या करते हैं, उसी को वैक्यूम यहाँ पे ऐसे पकड़ता है और उसको बाहर की तरफ खींच लेता है ठीक है उसे क्या करेगा बाहर की तरफ बेबी को खींच लेगा और बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है ये आपकी वैक्यूम डिलीवरी कहलाती है इसे हम कौन सी डिलीवरी कहते हैं इसे हम वैक्यूम डिलीवरी कहते हैं वैक्यूम डिलीवरी ठीक, है। है। ये आपकी vacuum delivery कहलाती है, आप देख सकते हैं डॉक्टर का हाथ है उन्होंने वैक्यूम को लिया है बेबी के सिर के पास लगाएंगे और उसे क्या करेंगे खींच लेंगे ठीक है चलिए यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई और फोरसेप्स की भी सहायता ली जाती है फोरसेप्स की सहायता अगर बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है कुछ दिक्कत हो रही है ये विभिन्न प्रकार के फॉरसेप्ट आपको दिख रहे हैं अलग अलग फॉरसेप्ट का अलग अलग कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं जिस तरीके की महिला की कंडीशन है उस तरीके से जो है औजारों और उपकरणों का प्रयोग करेंगे और शिशु को क्या करेंगे योनि मार्ग से बाहर निकाल लिया जाता है अगर शिशु इधर उधर तिरछा मिर्छा है हाँ या फिर हो सकता है कि मतलब मुड़ा हुआ है कुछ भी कोई कु� दिक्कत है तब हम इस सारे औजारों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया उल्टा प्रसव आपको समझ में आ गया है आपको सामान्य प्रसव समझ में आ गया और जारो द्वारा समझ में आ गया ऑपरेशन की बात करते हैं ऑपरेशन में क्या होता है ठीक है ऑपरेशन में क्या होता है तो ऑपरेशन में बस सीधे से ऐसे आप इसको समझिए ठीक है ऑपरेशन को आप ऐसे समझिए कि इसमें क्या करेंगे इसमें महिलाओं का जो पेट होता है उसमें जो है चीरा लगाया जाता है ठीक है उसमें क्या किया जाएगा उसमें चीरा लगाया जाता है सी सेक्शन इसको बोलते हैं इसमें सी आकार का चीरा लगाते हैं और यहीं से बेबी को क्या कर लिया जाता है यहीं से बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है इसे हम ऑपरेशन द्वारा प्रसव करते हैं अगर महिला के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो बच्चे को क्या कर सके नॉर्मल डिलीवरी कर सके या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं हो सकता है तो ये चीजें डॉक्टर ही आपको प्रिफर करते डॉक्टर ही बताते हैं समय समय पर इसीलिए जांच कराती रहना चाहिए जिससे पता चल सके कि बच्चे की क्या कंडीशन है कहीं बहुत नीचे तो नहीं है बहुत या फिर तिरछा वगैरह तो नहीं है जो भी है वो डॉक्टर आपको यहाँ पे बताएंगे तो ये आपका ऑपरेशन द्वारा होता है ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन द्वारा यहाँ पे प्रसव होता है आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छा एक चीज और होता है जिसको हम नेचुरल बर्थ के ही अंतर्गत पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वॉटर द्वारा ठीक है किसके द्वारा वॉटर के द्वारा, द्वारा। समझिएगा ठीक है इसमें क्या होगा ठीक है इसमें क्या होगा समझिए इसमें जो है वॉटर वॉटर यानी कि पानी ठीक है पानी यानी कि जो महिला है वो बाथ टब मतलब टब होता है उसमें पानी होगा और इसी पानी में क्या करेगी महिला डिलीवरी करती है इसी में प्रसव प्रक्रिया होता है ये बहुत पहले के टाइम पे होता था कहीं कहीं आज भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बाथ मतलब टब होता है ठीक है उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा और इसी में महिला की डिलीवरी कराई जाती है कई जगह आप इसको नॉर्मल प्रसव में यानी कि नेचुरल डिलीवरी में भी देखते हैं लेकिन इसको आप अलग से भी देख लीजिए ठीक है नॉर्मल तो आपका हो गया कि जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है कि जिस तरह से डिलीवरी करानी है वो चीजें होंगी उसमें ठीक है तो यहाँ पे बताइए टाइप्स ऑफ डिलीवरी में कोई समस्या तो नहीं है आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल या स्वाभाविक का मतलब क्या हुआ जो सामान्यतः आपकी डिलीवरी हो रही है प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित है महिला क्या करेगी पुश करती रहती है और बेबी धीरे धीरे बाहर आ जाता है उल्टा प्रसव में जो बच्चा है वो क्या होगा उसका सिर पीछे की तरफ होगा पैर आगे की तरफ होगा और इसका इसमें जो है इस तरह से ये उल्टा प्रसव हो जाता है औजारों और, और उपकरणों की तब सहायता ली जाती है जब कोई समस्या होती है कि मतलब बच्चा आपका तिरछा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर हो सकता है कि जो आपकी वेजाइना हो वो थोड़ी सी उसका आकार कम हो तो उसमें थोड़ा सा कट वगैरह लगाने की जरूरत पड़ जाती है बाद में उसको स्टिच कर दिया जाता है सिल दिया जाता है ऑपरेशन आपको समझ में आ गया बात तब आपको आगे बात टब का मतलब ये है कि टब में गर्म पानी होगा जिसमें जो है महिला क्या करेगी नेचुरल डिलीवरी कराएगी तो ये भी आपका है किसके अंतर्गत ये है आपका टाइप्स ऑफ डिलीवरी के अंतर्गत आई होप आप इसमें ये चीजें क्लियर आपको होंगी चलिए एक बार फिर से सारी चीज को क्या करते हैं एक बार फिर से हम सारी चीजें समझते हैं आपने आज क्या समझा आपने समझा प्रसव प्रक्रिया ठीक है आपने क्या समझा प्रसव प्रक्रिया और आपको पता है ये क्या है ये एक जटिल प्रक्रिया है इसमें क्या होगा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होगा कमर के आसपास के निचले हिस्सों तो में दर्द स्टार्ट होता है उसके बाद ये तीनों स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें आपने देखा पहली जो स्टेज है ये क्या होगी डिलेशन की स्टेज होती है सर्विक्स इसमें क्या होगा सर्विक्स जो है वो धीरे धीरे उसका मार्ग बड़ा होगा सेकेंड स्टेज आपकी एक्सपल्शन की होती है निष्कासन की होती है बेबी बाहर आ जाते हैं थर्ड स्टेज प्रेजेंटा डिलीवर की होती है प्रेजेंटा क्या होगा तीसरी स्टेज में प्रेजेंटा आपका बाहर आ जाएगा ठीक है ये देखिए फर्स्ट स्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक सेकेंड स्टेज देखिए फर्स्ट स्टेज में आपके विस्फारण की अवस्था भी इसको कहा जाता है इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए उसके बाद ये सेकेंड स्टेज है आपकी निष्कासन की अवस्था ये देख सकते हैं आप निष्कासन की अवस्था ठीक उसके बाद ये देखिए थर्ड स्टेज संपूर्ण निष्कासन की अवस्था है और उसके बाद ये आपका टाइम पीरियड है राइट फिर आपने एक एक चीज देखा ये सारे फिगर आपने देखे समझे आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी ये देख ली ये शिशु का सिर जो है वो क्या हो गया है बाहर आ गया है फिर आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरी तरह से धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो बाहर आपका आ रहा है ठीक है फिर आपने रिकवरी समझा कि किस प्रकार से महिला की जो रिकवरी है वो होगी और फिर क्या होगा ठीक है आपने टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी देख ली यहाँ पे आपने वैक्यूम की सहायता से भी देख ली फॉर की सहायता से भी चीजों को समझ लिया आई होप आपको ये सारी चीजें क्या होंगी आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी ठीक है आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आज हम पढ़ रहे थे क्या आज हम पढ़ रहे थे प्रसव की अवस्थाएं अच्छा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि मुझे आपको बताने हैं समझिएगा उसे ठीक है कुछ हारमोन्स हैं जो कि क्या करते हैं जो कि सहायता करते हैं ठीक है थीके? कुछ हारमोन्स जो सहायता करते हैं उसको समझिएगा आपको पता है संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोस्ट्रेजन ठीक है संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोजेस्ट्रॉन राइट संपूर्ण गर्भावस्था में जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है कौन सा हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन ये सक्रिय रहता है ठीक है संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो सक्रिय रहता है लेकिन जब प्रसव समय आता है ठीक है जब प्रसव समय आता है तो ये क्या हो जाता है? इसका जो सिक्रीशन है वो आपका कम हो जाता है जिसकी वजह से गर्भाशय की जो पेशियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं ठीक पेशियां क्या हो जाएंगी क्रिया शील हो जाएंगी और साथ ही इसके साथ ही और क्या होगा प्रसव पीड़ा प्रारंभ होगी तो ये कुछ हार्मोन्स हैं इनको आप ध्यान से समझ लीजिए प्रोजेस्ट्रॉन संपूर्ण गर्भावस्था में सक्रिय रहता है लेकिन ठीक है लेकिन क्या होगा जब प्रसव का टाइम आएगा तो ये क्या होगा इसका सिक्रेशन आपका कम हो जाएगा ठीक है पूरी तरह से कम हो जाएगा पूर्ण कम हो जाएगा और फिर पेशियां इसमें क्रियाशील होंगी जिसकी वजह से पेशियां जो है क्रियाशील होंगी और प्रसव पीड़ा आपकी प्रारंभ होगी साथ ही एक और हार्मोन से जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ठीक है ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये गर्भाशय में जो ये आपका गर्भाशय में जो संकुचन की प्रक्रिया होती है यानी गर्भाशय जो आपका सिकुड़ रहा है ना वो किसकी वजह से होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है तो गर्भाशय में जो संकुचन हो रहा है गर्भाशय में जो आपकी संकुचन होते हैं संकुचन की गतियों को ये क्या करता है प्रेरित करता है नाम क्या है इसका नाम है इसका ऑक्सीटोसिन, ठीक है ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन्स के बारे में आप समझ लीजिए उसका नाम है रिलैक्सिन रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करेगा ये आपके सर्विक्स को सर्विक्स यानी क्या जो ग्रीवा है ठीक है सर्विक्स को क्या करेगा सर्विक्स के लेगामेंट्स को शिथिल करता है कि थोड़ा वो ढीला हो जाए जिससे बेबी का जो जन्म है वो आसानी से हो जाए तो ये लेगामेंट को क्या करेगा थोड़ा सा शिथिल करेगा ठीक है शिथिल करेगा जिससे क्या होगा जिससे जन्म के समय ठीक है जिससे क्या होगा प्रसव के समय शिशु का जन्म आसानी से हो सकेगा ठीक तो यहाँ पे आप क्लियर होगा क्या कर रहा है गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है साथ ही रिलेक्स क्या करता है ये सर्विक्स के को शिथिल करता है तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताइए क्लियर हो गई हैं आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आपको नोट करना है तो आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट भी कर सकते हैं है ना क्या कर सकते हैं आप इसको नोट भी कर सकते हैं बिल्कुल तो ये आपका क्या ये था आपका प्रसव जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने समझी आई होप क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अच्छे से पढ़ते रहिए खुश रहिए और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर